बिस्मिल्लाह रन रहीम अब जबकि हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों को डिस्कस करने के बाद उनका जनरल इक्विलिब्रियम भी डिस्कस कर लिया और यह भी देख लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि वी कैन एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डिस्टर्बिंग फैक्टर्स इन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल बट देयर कैन बी

तो हम कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड शॉक आया है ठीक हो गया अब एग्रीगेट डिमांड शॉक के लिए जो फैक्टर्स हैं वो वो हैं जो आपने गुड्स मार्केट के अंदर या मॉनिटरी पॉलिसी कर्व से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स आपने पढ़े हैं उन सारों को कंबाइन करें तो एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट फैक्टर्स बन जाएंगे या एग्रीगेट डिमांड का शॉक काज करने वाले फैक्टर्स कहलाएंगे जिनमें क्या शामिल है टोनोमस जो है इज आर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो अगर ऑटोनोमस पार्ट जो इंटरेस्ट रेट का है यानी कि ऑटोनोमस वाले पार्ट को इंक्रीज करे क्या मतलब इन्फ्लेशन रेट की वजह से नहीं वैसे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे डिक्रीज करेगा तो ये ईजी या एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी या पॉजिटिव डिमांड शॉप कहलाएगा और अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो यह नेगेटिव डिमांड शॉक कहलाएगा इसी तरीके से अगर आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो है उसके अटोानोमस कंपोनेंट में पॉजिटिव चेंज आ जाए गवर्नमेंट के कंजम्पशन में इंक्रीज आ जाए या जो आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं उसमें जो अटानोमस पार्ट है वो इंक्रीज हो जाए या जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं उसका अटानोमस पार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए या फाइनेंशियल फ्रिक्शन कम हो जाए या इसी तरीके से टैक्सेस जो है लगते हैं आपके ऊपर जिससे आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो वो टैक्सेस कम हो जाए ताकि डिस्पोजेबल इनकम इनक्रीज हो जाए ये जितने भी हैं शॉक्स इन शॉक हम कहेंगे ये ये पॉजिटिव डिमांड शॉक्स हैं क्या मतलब ऑटोनोमस कंपोनेंट में ऐसा चेंज है जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं इसलिए हम इसे कहते हैं ये पॉजिटिव डिमांड शॉक है पॉजिटिव इसलिए कि ये डिमांड बढ़ाते हैं शॉक इसलिए कि ये ऑटोनोमस

अब जब पॉजिटिव एग्रीगेट डिमांड शॉक आपकी इकोनोमी में आए अब पॉजिटिव डिमांड शॉक मैं जब भी कहूंगा एग्रीगेट डिमांड शॉक उसका मीनिंग आपके जेन में क्लियर हो कि या तो कंजम्पशन का अटोनोमस पार्ट चेंज हुआ है या इन्वेस्टमेंट का हुआ है या नेट एक्सपोर्ट्स का हुआ है या फाइनेंशियल फ्रिक्शन कम हुई है या टैक्सेस कम हुए हैं या सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया इन सबको हम कहेंगे ये पॉजिटिव डिमांड शॉक है इनमें से कुछ भी हो जाए ये डायग्राम उसके लिए रेलिवेंट है क्या है इस डायग्राम में इसमें एक एग्रीगेट डिमांड कव है जो एडी वन के नाम से है एक शॉर्ट रन का एग्रीगेट सप्लाई कव है जो एस वन के नाम से है और एक एल आर एस लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कव है जो वाईपी के ऊपर वर्टिकल है ये तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट वन पे वो हमारा लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम है जनरल इक्विलिब्रियम अब अगर आप देखें एक पॉजिटिव डिमांड शॉक आ गया कब जब इकोनॉमी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में थी पॉइंट वन पे थी उसके बाद शॉक आया उस शॉक से क्या हुआ पॉजिटिव डिमांड शॉक जाहिर है उसने डिमांड कर्व को राइट right साइड पे शिफ्ट करना था तो जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो एडी वन की बजाय एडी टू हो गया है जब एडी टू हुआ है, तो ए एस तो अभी ए एस वन ही है तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉइंट टू पे बना जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम तो है लेकिन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है लेकिन लॉन्ग रन नहीं है इसका मतलब है ये को लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं किया जा सकता जिसका मतलब है ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है ये टाइम के साथ चेंज होगा और वो चेंज कैसे होगा वो आपको मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह आप समझ आ जाना चाहिए क्योंकि ये मैं बार बार रिपीट करता हूं कि वाई टू पे आउटपुट गैप पॉजिटिव है एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा है इस वजह से लेबर जो है वो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी हायर वेजेस वो डिमांड करेंगे फर्म्स जो हैं वो हायर प्राइसेस चार्ज करेंगी अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा उस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई का जो शॉर्ट रन का है वो भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ए एस टू तो अल्टीमेटली या ए एस थ्री तो होगा क्या कि जो एग्रीगेट डिमांड का सेकंड राइट साइड पे शिफ्ट होने वाला कर्व है वो और जो शॉर्ट रन का एग्रीगेट सप्लाई कव लेफ्ट साइड पे होने वाला कर्व है और तीसरा जो लॉन्ग रन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये तीनों पॉइंट थ्री पे जाके दोबारा से मिलते हैं इसका मतलब है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है लॉन्ग रन के इक्विलिब्रियम में नेट इफेक्ट क्या हुआ नेट इफेक्ट ये हुआ कि शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट इंक्रीज हो गई पोटेंशियल लेवल से और इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज हो गया लेकिन लॉन्ग रन में आउटपुट अपने पोटेंशियल पे वापस आ गई लेकिन इन्फ्लेशन रेट फर्दर इंक्रीज हो गया इसका मतलब है जो भी पॉजिटिव डिमांड शॉक होता है वो इकॉनोमी की आउटपुट को शॉर्ट रन में बढ़ा सकता है लॉन्ग रन में वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाता है आउटपुट को नहीं बढ़ा सकता अब हम इसकी दूसरी साइड देख लेते हैं कि अगर नेगेटिव डिमांड शॉक आ जाए और नेगेटिव डिमांड शॉक की हम एग्जाम्पल यहां पर ले रहे हैं डेलिबरेट डिस जिसका मतलब है सेंट्रल बैंक ने जो रिट

जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा और उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई का राइट साइड पे शिफ्ट होगा जब वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा नेट रिजल्ट क्या बना नेट रिजल्ट ये बना कि शॉर्ट रन में तो मॉनिटरी पॉलिसी टाइट करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई थी लेकिन लॉन्ग रन में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस अपने लेवल पे पहुंच गई वाईपी पे लेकिन इन्फ्लेशन रेट पहले इकोनॉमी में आई एन एफ वन था फाइनली आई एन एफ थ्री हो गया है यानी कि इन्फ्लेशन रेट कम हो गया है लेकिन आउटपुट का लेवल लॉन्ग रन पे वापस वाई पी हो गया है थैंक यू